नालागढ़ के तहत राजपुरा में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में छात्रों के बीच खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। ये घटना उस समय हुई जब स्कूल में प्रार्थना सभा चल रही थी, तो उसी दौरान प्लस वन के छात्र ने प्लस टू के छात्रों पर तेज धार हथियार से हमला कर दिया। आसपास के अध्यापकों की मदद से छात्र को आरोपी युवक से छुड़वाया गया। हमले के दौरान युवक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज नालागढ़ के सरकारी अस्पताल में करवाया जा रहा है। मामले में संज्ञान लेते हुए स्कूल प्रशासन की ओर से आरोपी को स्कूल से निकाल दिया गया है और पुलिस को शिकायत कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। फिलहाल पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके का जायजा लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इन तीनों छात्रों में बीते दिन किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। झगड़ा इतना बढ़ गया कि पीड़ित छात्रों ने आरोपी छात्र को पूरी तरह से पीट दिया था, जिसके चलते आरोपी छात्र ने सुबह प्रार्थना सभा में दोनों छात्रों को चाकू से हमला कर घायल कर दिया। पूरा मामला पुरानी रंजिश का है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हाँ। है कौन सी क्लास के लड़के? आपके स्कूल के? ये क्या नाम है? और इस बारे में जब स्कूल के प्रिंसिपल आदित्य कंसल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामला सामने आने के बाद से ही उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी छात्र को स्कूल से निकाल दिया है और पुलिस को शिकायत कर आरोपी छात्र के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि स्कूल में किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं सुबह ही जब प्रेयर शुरू हुई थी तो उसी समय जो है एक छात्र है हमारे पास, ये प्लस वन का अवनीश, इस बच्चे ने क्या किया कि चाकू से जो है एक जसपाल बच्चा है उसके ऊपर अटैक कर दिया। फिर जब मैंने इसके बारे में तहकीकात की तो पता चला कि कल 3 बजे के बाद जो है ये आरंभ हुआ है। हमारे SMG प्रधान है, इनका बेटा जो है वो दुकान पर मौजूद था, उसने भी बताया कि मुझे मारने के लिए कुछ लड़के आए थे। उसके बाद जैसा ये बता रहे हैं कि शाम तक लड़ाई जो है वो होती रही है, उसी प्रक्रिया के आगे तहत जो है इन्होंने सुबह इसको अंजाम दिया है। एक्चुअली इस लड़ाई का जो आरंभ है श्री गणेश वो विद्यालय से नहीं हुआ, नहीं तो हम पहले इसको रोकते। अगर पहले होता तो ये तो जैसे ही हमारे ध्यान अच्छा प्रेयर से उसमें पूछता है, लेकिन ये चलो इतनी बात प्रेयर में ही लेकिन क्या आपके बेटे ने किसी अध्यापक को सूचित किया? अध्यापक को बताया अंजना मैम। अच्छा अंजना मैम को बताया था, तो कोई बात नहीं, आज वो छुट्टी पर है, वो आने पर हम उनको पूछ लेंगे। उसके बाद बच्चों को समझा कर हमने सोचा बात खत्म हो गई है, तो लेकिन ऐसा ये पहली बार हुआ है कि बच्चे ने ऐसा उठाया। इस बच्चे को हमने अगर देखा जाए तो 1 महीना पहले भी इसके जो है घर गए थे, कुछ अध्यापक हैं हमारे, प्रवक्ता गई थी हमारी।